हम सभी को बहुत ही दुख है कि आनंद शंकर पंड्या जी जो एक विख्यात समाज सेवी भी थे, लेखक भी थे, भारतीय स्वतंत्रता से संग्राम से जुड़े हुए और साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष भी थे, ऐसे समाज को दिशा दर्शन करने वाले एक मनीषी का हमारे बीच से निकल जाना हम सभी के लिए बहुत ही दुखद इस प्रकार की बात है। जैसा कई वक्ताओं ने यहाँ पर बताया कि अपने कॉलेज के जीवन से ही देश की सेवा में वो जुटे और एक ओर भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम हो या फिर दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार हो, ये दोनों चीजों को साथ में लेकर और उनका व्यक्तिमत्व तैयार हुआ। और ऐसा हम कह सकते हैं कि देश का कल्याण और देश का विकास ये दो उनके जीवन के मुख्य बिंदु रहे। पत्रकारिता में भी एक बड़ा योगदान उन्होंने दिया, अर्थशास्त्र, राजनीति, राष्ट्रवाद और धर्म, इन सारी चीजों पर आधारित कई आर्टिकल उन्होंने लिखे जिन्होंने लोगों की सोच में एक आमूलचूल परिवर्तन किया। देश के कई अखबारों में 5 दशकों तक उनके विचार ये लोगों के ऊपर एक संस्कार करते रहे, इस प्रकार का उनका व्यक्तिमत्व रहा। स्वाभिमान और स्वावलंबन को लेकर जागृति में उनकी विशेष रुचि रही और इन दो विषयों पर उन्होंने करोड़ों लोगों तक इन विषयों को पहुंचाने की व्यवस्था की। अपने कार्य के लिए समर्थ ट्रस्ट की उन्होंने स्थापना की थी और कई क्षेत्रों में ये चैरिटेबल ट्रस्ट काम करता रहा। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी, इनके आत्म दीपो भव इस मोटो को लेकर मेरा समर्थ भारत अभियान के तर्ज पर उन्होंने इस संस्था का काम आगे बढ़ाया। कौशल, मूल्य, ज्ञान और इंसान का बर्ताव, इन सारी चीजों पर यह संस्था लगातार काम करती रही। भारत के युवाओं के माध्यम से सशक्त भारत का निर्माण हो सकता है, यही उनकी धारणा थी। वे ऐसा मानते थे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है ये एक प्रकार से समाज के कमजोर वर्गों का शोषण करती है, लेकिन भारतीय संस्कृति में सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम की जो बात कही गई है वही अवधारणा दुनिया को आगे ले जा सकती है। अहिंसा को वे अपना सर्वोच्च धर्म समझते थे और उन्होंने 70 के दशक में कई मूलभूत विषयों पर अपना चिंतन रखा और उसे पॉलिसी में भी उस समय स्थान मिला। और मैं ऐसा मानता हूं कि विशेष रूप से जब देश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई, उसके बाद उनके जो विचार थे, उन्होंने जो विपुल लेखन किया था, इसको एक प्रकार से हमारे पॉलिसी मेकिंग में भी उसका रिफ्लेक्शन हमको देखने को मिला। विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया और हमेशा वो ये मानते थे कि हमारे जो भारतीय मूल्य है, हिंदू मूल्य है, इसका बीजारोपण अगर हम करेंगे तो एक अच्छा संस्कारित इस प्रकार का समाज हम तैयार कर पाएंगे। और इसी के लिए उन्होंने अपना तन, मन और धन, तीनों चीजें हमेशा उसके लिए अर्पित की। हम ये कह सकते हैं कि उनका ये योगदान हम कभी भुला नहीं सकते। एंड अयोध्या, एन आंसर टू टेररिज्म एंड फंडामेंटलिज्म, इस पुस्तक के माध्यम से एक बहुत ही अलग विचार उन्होंने हम सभी के सामने रखा और
इंडियाज विजन फॉर ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी, ये भी जिसका विमोचन महाराष्ट्र में ही हुआ था राजभवन में, मैं ऐसा मानता हूं कि उनकी विचारों की जो दिशा है और उसमें जो एक अलगता है वो हमारे सामने ये सारी चीजें आती थी। इनक्रेडिबल इंडिया इस पुस्तक के माध्यम से भारत की संस्कृति, साहित्य, विज्ञान, कला, राजनीति, ऐसे कई विषयों के ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला और भारत का परिचय विश्व को हो, इस प्रकार का प्रयास उन्होंने किया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के हाथों से अमेरिका में इसका प्रकाशन हुआ था और ये पुस्तक उस समय के जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा जी, उनको भी भेंट की गई थी। हम लोग अगर कुल उनका जीवन देखे तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक समर्पित स्वयंसेवक का ये जीवन था, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित रखा और अपने जीवन में जो भी मिला वो समाज को दिया। राष्ट्राय स्वाहा इदम् न मम, ये जो मंत्र है, इस मंत्र को यथार्थ में लाने वाले व्यक्ति ये पंड्या जी थे और ऐसे व्यक्तियों का, मनीषियों का हमारे बीच से निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि ये संपूर्ण समाज की एक हानि होती है। किंतु जो विचार इतने दशकों में उन्होंने हमारे सामने रखे, वो विचार ये सजीव भी है और मैं ऐसा मानता हूं कि ये विचार चिरंतन भी है और इन्हीं विचारों के आधार पर हम लोग उनको हमेशा याद रखेंगे और समाज के आने वाली पीढ़ियां जो है उनको भी ये विचार मार्गदर्शन करेंगे। मैं उनको अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ।